जिस गुजरात में बार बार ड्रग्स पकड़े जाते हैं, चूंकि गौतम अडानी प्रधानमंत्री का दोस्त है, भारतीय जनता पार्टी का फाइनेंसर है, तो कोई किसी के भी इतनी दम नहीं जो अडानी से सवाल पूछे। मंगरुआ बीमार बा, मंगरुआ अगर ठीक रहता तो जिस सासाराम की महिला अपने मरे हुए बच्चों को गोद में लेकर बिहार गया, वो उसी जिले से आता है, रिंकिया के पापा, एक बार भी उस महिला का सम्मान नहीं किया। जब बिहार की 13 साल की बेटी ज्योति साइकिल चलाकर बिहार तक अपने बीमार पिता को लेके गया, तब उसने चर्चा नहीं की। मनोज तिवारी, निरहुआ, तमाम जो लोग हैं, ये लोग पार्टी फंड में चंदा लेने के लिए फिल्म के एक्टर को, डायरेक्टर को डरा रहे, धमका रहे। गुजरात में हुआ, जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो गुजरात की जहरीली शराब पर चर्चा नहीं होती। मतलब इनका साफ है, ढोंगी अपराधनाथ। योगी कहते हैं किसको है, जो संत होता है। एक गुंडा मवाली को योगी कहोगे तो लादेन को, दाऊद को क्या शंकराचार्य कहोगे? पाकिस्तान से भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते हैं। ठीक है पंकज श्रीवास्तव, अभी पूरे देश में जो है माहौल बना हुआ है, लोग जो है पठान मूवी का वायकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसमें जो है दीपिका पादुकोण ने जो भगवा कलर का कपड़ा पहना, इससे जो हिंदू है उसका भावना का आहत हुआ है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? सूरज अगर हिंदू होता तो मुसलमानों को रोशनी नहीं देता। पेड़ पौधे हरे हैं, अगर हरा मुसलमानों का होता तो पेड़ छांव ना दे रहा होता, ना ही पेड़ हवा दे रहा होता हिंदुओं को। ये नफरती लोग हैं, हर बात में ये नफरत झूठते हैं। कौन, दीपिका पादुकोण? अरे सुन तो लो, रवीना क्या कर रही भाई? ए रवीना, अक्षय कुमार जो आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? अभी कंगना रानावत की एक फिल्म आई है, अंधभक्तों के ऊपर पैर रखी हुई है, वो भी भगवा है कि कह दो कि वो भगवा नहीं है? कुछ भी कह सकते हो आप लोग। गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हैं, जब गोबर को च्यवनप्राश समझ सकते हैं, जब कंगना रानावत भगवा वस्त्र पर लात रख कर उस तरीके का ये कर सकती है, तो फिर क्या दिक्कत वहाँ है कि आप भगवा को बेशर्म रंग कह रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं, गोल गोल कर रहे हैं इधर से उधर। अक्षय कुमार कैनेडियन जीजा जी क्या कह रहे हैं, सो पूछ रहे ना जो पठान क्या कर रहे हैं बताइए। हम कह रहे हैं पठाने पर क्यों जा रहे हो, 5 ग्राम? अरे भाई सुन तो लो यार, पत्रकार हो कि भारतीय जनता पार्टी के भांड हो, जब 5 ग्राम ड्रग्स पर जो केपी घोसावी भानुशाली का जो कुकृत्य देखा गया, ये सब तमाम चीजें सब कुछ साफ और स्पष्ट सबको समझ में आता है। उस समय जिस तरीके से प्रोपगेंडा फैलाया गया सबको पता है, लेकिन वही मुद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग्स पकड़े जाने पर कोई चर्चा तक नहीं होती, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। जिस गुजरात में बार बार ड्रग्स पकड़े जाते हैं, चूंकि गौतम अडानी प्रधानमंत्री का दोस्त है, भारतीय जनता पार्टी का फाइनेंसर है, तो कोई किसी के भी इतनी दम नहीं जो अडानी से सवाल पूछे। आप भी तो भगवा, अरे भाई सुन रहे यार बोलने का, भगवा और सुन तो लो, अगला मत बनो, बोलिए ना। अगला तो कंगना रानावत जो भगवा पहने हुए आदमी पर पैर रखा हुआ है, तो क्या ये भगवा का अपमान नहीं है? जब रवीना और अक्षय कुमार द हाइट स्टोरी में भी आपने देखा होगा भगवे का दुरुपयोग है, तो उस पर चर्चा नहीं होती, उस पर भी चर्चा कीजिए। अक्षय कुमार से भी सवाल पूछिए, जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेता है, आम काट के खाते, चूस के खाते, कार्रवाई में पकाते, धूप में पकाते, मोदी जी की मन की बात सुना के पका देते। सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है, आप बांट रहे हैं? अरे आप लोग आतंकवादी हैं, आप कौन, आप लोग आतंकवादी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट पर काम करता है। आप ही देशभक्त हैं ना, ना इधर पता ना है तुम्हें ना, है एक आदमी बता दो आरएसएस का जो देश के लिए उम्र कैद की सजा काटी हो, बता दो। अरे भाई हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, हमारे सुन तो लो यार, शाहरुख से पैसा लिए हो, मुख्तार अब्बास नकवी से क्या लिए हो, जीजा जी है, भनोई है, दामाद है, मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, पूछो ना भाई, पूछो जाके सुब्रमण्यम स्वामी से कि कौन सा खान उसका दामाद है, जाके पूछो, तब नहीं पूछोगे। गौरी खान कौन है? हैं? गौरी खान कौन है? और उर्मिला मातोंडकर कौन है?
कौन है उर्मिला मातोंडकर? अरे किससे शादी किया? मोहन भागवत की भतीजी, मैं पूछ रहा हूँ। तो ये कोई विवाद का चीज नहीं है ना, कौन किससे शादी करेगा, कौन क्या खाना खाएगा, तो हिंदुओं का अपमान होगा। हिंदुओं का अपमान करिएगा आप। कैसे हिंदू का अपमान हो रहा? कैसे भगवा साधु संतों का ड्रेस है, माने मुख्तार अब्बास नकवी हिंदू। अरे सुन तो लो यार, मुख्तार अब्बास नकवी अगर दामाद बने, जीजा बने, भनोई बने तो कोई हिंदू का अपमान नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी जी ज्यादा की हो रही है, आपका हृदय अपमान नहीं मार रहा है? रंग का रंग के लिए, अरे सुन तो लो यार, तुम रंगों में उलझे पड़े हो, तुम चाइना पर जाओ, तुम बेरोजगारी पर जाओ, महंगाई पर जाओ, तुम देश की सरहद की बात करो, महिलाओं की सुरक्षा की बात। तो मोदी चढ़े हुए, चिम्यानंद का सवाल नहीं पूछ रहे हैं, चिम्यानंद फरार है, पूछ लो गाने का मतलब। अरे चिम्यानंद कौन है? असली हिंदू नहीं है, साधु है वो। फिर वही बात, असली हिंदू। अरे सुन तो लो, क्या चंदनम ना सोपते? अच्छा और कुछ बोलो, कुछ बोलने आता है? अरे सुनो सुनो, सुनो एक बता दो कि सुबह उठ के कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? बड़ा पंडित बनने आए हो, बेशर्मो। बता दो सुबह उठकर हाथ देखकर कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है और भूमि? अरे सुन तो नहीं ले यार, चंदन लगा के आप जो है आवारा कुत्ते की तरह, अरे सुन लो, आवारा कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो। और ये देखो, ये सारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, कहाँ लगा हुआ है? जहाँ लोग थूक फेंकते हैं उस पर चर्चा करो, चर्चा करो। फिल्म में था, द हैट स्टोरी में था, अभी आप लॉकअप एक फिल्म है उसमें भी आपने देखा है वो। फिल्म नहीं है, जानकारी है। अनिल हुआ मनोज मगर हुआ बीमार बा के फिल्म में नहीं है? अरे यार कुछ भी बोलते हो, साफ बीमार नहीं है, मगर हुआ सांसद है, मगर हुआ बीमार बा, मगर हुआ। अरे सुन बार, फिर वही बात, मगर हुआ बीमार बा, मगर हुआ अगर ठीक रहता तो जिस सासाराम की महिला अपने मरे हुए बच्चों को गोद में लेकर बिहार गया, वो उसी जिले से आता है रिंकिया के पापा, एक बार भी उस महिला का सम्मान नहीं किया। जब बिहार की 13 साल की बेटी ज्योति साइकिल चलाकर बिहार तक अपने बीमार पिता को लेके गया, तब उसने चर्चा नहीं की। आपने देखा यार, सुन भगवा वस्त्र में गाना नहीं है, है? लंगा उठा दे रिमोट से वाला गाना, भाई बात समझो। अरे सुन लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या सुन रहे हो? पंकज जी चंदन लगा, तुम क्या कर रहे हो, मुजरा कर रहे हो यहाँ पर? ओए तुम लोग क्या मुजरा करने आए हो? अरे सत्ता के दलालो, हवसियो, बात क्या पूछते हो? बात पूछो रोटी कपड़ा मकान पर, बात पूछो शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, तो उस पर नहीं कर रहे? फिर वही बात, कौन आदमी क्या रंग पहनेगा इसकी गारंटी नहीं टीवी का पत्रकार लेगा, नहीं कोई राजनीतिक पार्टी के लोग लेंगे। हिंदुओं का पूरा देश ले रहा है इसका निर्णय, आप अपमान करिएगा हिंदुओं का, मतलब मुंह में टकलवा दोगे? अरे बेशर्मो, अरे सुन, अरे सुन तो ले भाई, 400 का सिलेंडर 1000 में मिलता है, इससे हिंदू परिवार प्रभावित है। जब आटा पर GST लगा तो हिंदू परिवार प्रभावित है। कमाई बढ़ गई है, कमाई बढ़ गई है सबकी, कमाई तुम्हारी बढ़ गई, कमाई तुम्हारी बढ़ गई, इसलिए तुम खाते हो। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुनगाता है, तुम गुनगा रहे। जाकर पूछो उन माँ बहनों से जिनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे, जाकर पूछो उन सरकारी नौकरी करने वाले लोगों से जिनकी पेंशनें बंद हो गई, जाकर पूछो उन युवा बेरोजगारों से जिनको नौकरी, चुनाव परिणाम 4 दिन में आ जाते हैं, लेकिन जब हमारे देश का युवा एग्जाम देता है उसके रिजल्ट 4-4 साल तक नहीं आते, आखिर क्यों? जाकर सवाल पूछो कि शिक्षा महंगा क्यों, जाकर सवाल पूछो और डिबेट उस पर किया करो, सवाल उस पर पूछा किया करो। बेतुके बात, मुस्लिम भी बाइकॉट कर रहे हैं, जनता तो सवाल ये पूछ रहा है कि भगवा कपड़ा क्यों पहना। आप जनता के साथ जाएंगे? आप सवाल ही यही चीज है, सुनो, के साथ जाएंगे सारे रंग। अरे सुन तो लो यार, अरे सुन तो लो, मनोज तिवारी, निरहुआ, तमाम जो लोग हैं, ये लोग पार्टी फंड में चंदा लेने के लिए फिल्म के एक्टर को, डायरेक्टर को डरा रहे, धमका रहे। आप बताइए, अभी बिहार में नीतीश कुमार जी के खिलाफ भाजपा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ना, जब ये अपने खुद सरकार में थे तब विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन वही जहरीली शराब गुजरात में हुआ, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, जहां डबल इंजन की सरकार है, तो गुजरात की जहरीली शराब पर चर्चा नहीं होती। मतलब इनका साफ है कि ये सिर्फ अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। मुद्दा क्या है? अरे यार फिर बिहार देश में नहीं है? अरे वे शर्मा, अरे सत्ता के दलालों,
बिहार देश में नहीं है, गुजरात देश में नहीं है। जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का नेता विरोध कर सकता है, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सुन लो, हिंदू धर्म में मदिरा पान वर्जित है, अरे सुन लेना, अरे कान का बाबा सिर है कि मुंह का बाबा सिर है, सुन तो लो पहले, कोई बायकॉट नहीं होगा, कोई बायकॉट नहीं, हम तो कहते हैं बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, अरे हम देखते नहीं है, अगर देखते होते तो हम देखते, जो लोग देखे जिंदाबाद, जब इतना ही प्रेम है तो इतने बेशरम हो कि तुम लोग खाली यही फिल्मों पर चलते हो, तुमसे बात हो काबुल और कम कानपुर और क्या क्या बोला 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 क्या, भगवा भगवा त्याग तपस्या की चीज है, भगवा गुंडा मवालियों के पहनने की चीज नहीं है, अरे सुन ले, अरे बेशर्मो, अरे हम प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, कौन से तपस्या कर रही थी रवीना, तपस्या कर रही थी रवीना, तपस्या कर रही थी कैटरीना, तपस्या कर रही थी, अरे भैया कैटरीना नहीं पहना तो कैटरीना तपस्या कर रही थी, उन लोगों ने रंगों का, सुनो बात करो, जो हिंदू परिवार महंगाई से पीड़ित है, अरे सुन तो लो यार, आखिरी यार नहीं होता, तुम लोगों को सवाल नहीं पूछने आता, तुम बात सवाल पूछो, हाँ सिखा रहे, रोजगार पर सवाल पूछो ना, कि 8 साल से रोजगार देश के युवाओं को कितना मिला, किसको मिला, तुम्हें मिला, हलाल करते हो यार, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी 8 साल, क्या जमता था 2022 में सबको, हर सर पर छत होगा, हर छत में नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर में बल्ब होगा, कह दो ये भी जुमला था, किसानों की आय दुगुनी करने की बात थी 2000, अरे भाई सुन तो ले, अरे सुन तो लो भाई, अरे सुन बोलने देगा, सिनेमा हॉल जलाने, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, ये तो आप लोगों से ज्यादा बिल्ली की से ज्यादा रास्ता काटते हो, 2022 में किसानों की आय दुगुनी करनी थी, कह रहे हैं कि हर आदमी को पक्का मकान देना था, मारेंगे अगर आप जाएंगे तो आपकी भी उठोगी कुटाई, लोग कह रहे हैं, कौन बोल रहा, कौन बोल रहा, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, अरे कौन कह रहा है, जिनके जिनके बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों के तलवे चाटे, माफी मांगे, डरपोक बुजदिल सावरकर के लोग, जिनका डीएनए ही खून में ही सांप का बच्चा सांप होता है, ये नाथूराम गोडसे के लोग हैं, ये हिंसा की बात कहते हैं, और देश में अहिंसा से चलेगा, देश नफरत से नहीं चलेगा, देश अमन भाईचारे से चलेगा, प्रेम मोहब्बत से, मूवी देखने से कौन रोक देगा, देश का उसका बाप दहेज में लेके आया था, अरे हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी थी, फांसी के फंदे को चूमा था, काला पानी की तो सजा भुगती थी, मूवी देखेंगे निश्चित तौर पर, सभी आदमी को पठान मूवी देखना चाहिए, इतना आराम से बोलेंगे, डर लग रहा है, तो बोल भेजो ना उसको चाइना जाके फुकाए, क्या वहाँ उसके छठी रात का उसके बाप को याद आता है, जाए चाइना पर, चाइना फुकाए, अपने ही देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना ये देशद्रोहियों का काम है, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था ये लोग गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे, गोरे अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, गोरे अंग्रेजों से चंदा ले रहे थे, धर्म बचा रहे थे, कौन धर्म बचा रहा था, विरोध नहीं कर रहे थे, अच्छा कौन सा धर्म जानते हो, कौन से धर्म से हो आप, कौन, अरे कौन से धर्म से हो, मुस्लिम, अरे मैं पूछ रहा हूँ मुस्लिम है, तो मुस्लिम धर्म में क्या कहता है कि ये बकैती करो, हराम का खाओ, किसी का गुणगान करो, अरे शर्म करो, मुसलमान हो सिर्फ अल्लाह से डरो, और कुरान में जो आयतें हैं, जो कुरान कहता है कुरान को फॉलो करो, अगर हिंदू हो तो हिंदू धर्म में सीखो, झूठ बोलना छोड़ो, डांस नहीं कर सकते, तो क्यों करवाते हो, सारे मुसलमान विरोध क्यों ना करते हो, तब उस समय पैरों में पैजाब पहन रखे हो, तब उस समय जाके करो, अरे भाई सुन तो, कहाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कौन कर रहा, अरे कौन सा मुसलमान कर रहा, मध्य प्रदेश के कई भाजपा का मुसलमान, अच्छा जैसे भाजपा का हिंदू नीरव, अरे सुन नहीं रहे, जैसे नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाजपा में जो मुसलमान है वो कट्टर हिंदू है, जैसे शाहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी ये कट्टर हिंदू है, मुसलमान थोड़े ना, बोल दीजिए ना एक बार शाहरुख खान जिंदाबाद, बोलिए सारे सुनो, अरे तुम लोगों को कुछ पत्रकारिता करते हो कि भांडगिरी करने आए हो, लगता है, अरे फिर वही बात, डर लगता है, डरते तो हम किसी से भी नहीं, अगर डरते हमारे खून में न्याय है, डरता वो है जिसको कर्म, भाजपा का भारतीय जनता पार्टी है, सुनो पत्रकारिता करते हो यार, तुम्हें तुम्हारे धर्म का वास्ता, तुम्हें पत्रकारिता का वास्ता, सुनो अरे योगी किसको कहते बताओ तुम, योगी आदित्यनाथ, अरे ढोंगी अपराध नाथ, योगी कहते हैं किसको है, जो संत होता है, एक गुंडा मवाली को योगी कहोगे तो लादेन को दाऊद को क्या शंकराचार्य कहोगे, जबरदस्ती कौन भेजेगा, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते हैं, पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाते हैं, पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं, ये भाजपाइयों का है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।